हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल आईटीपी एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड बाय माय चैनल। टुडे आई एम डिस्कस कैम्ब्रिज वन टेस्ट वन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर टेस्ट टू सॉल्व आउट द ऑल द बुक्स ऑफ द कैम्ब्रिज। लेट्स स्टार्ट हियर। डिड राइट टू डैश बर्निंग लॉग और चारकोल। देखो हूँ साढ़े को कीवर्ड हैगा है बर्निंग लॉग्स और चारकोल। असी यही कीवर्ड नूं अगे यूज करना है। नीचे साढ़े को लिस्ट ऑफ वर्ड गिवन है जिदे विच आपां आंसर चूज करना है। चलो आप पिछे देखते हैं। इत्थे देखो लिखिया होया बर्निंग लॉग्स ए लाइट और बाय कैरिंग द चारकोल इन पॉट्स। ठीक है, इत्थे की लिखिया होया कीप स्लो बर्निंग। ठीक है, अगे लिखिया वी आर दी मीन हाउ टू प्रोड्यूस फ्लेम। प्रोड्यूस फ्लेम कि ये सानू आंसर केड़ा आएगा मैक्सीकन हैगा नहीं। डिस्पाइट कुछ लिखा सी नहीं। सनलाइट का कुछ लिखा सी नहीं। प्रीकॉशंस का नहीं। अनवेयर का नहीं। हीटिंग का नहीं। अनटिल का नहीं। रैंडम का नहीं। बट प्रिजर्व, मेरे हिसाब ना प्रिजर्व आंसर है क्योंकि पिछे प्रोड्यूस किया गया है। सेम वर्ड नहीं मिलेगा और सानू सीनम ही पता करना पेगा। सीनम प्रिजर्व प्रोड्यूस इज सेम वर्ड। सो कट दी दिस ब्लैंक्स। हुण आपां अपनी लिस्ट विचों एक मिल गया सानू प्रिजर्व, असीं उहनू कट आउट कर देंगे। हुण आपां सैकेंड देखना है। सैकेंड क्वेश्चन रीड करो। डैश दैट दे कुड क्रिएट फायर देमसेल्फ। ठीक है, असी बैक जाने हैं। कॉन्टीन्यूस अगे रीड करो। प्रोड्यूस फ्लेम एस डैट विल इज अननोन। ठीक है, जिहड़ी प्रोड्यूस करती है फ्लेम उहनू की किया जाता है अननोन। हुण असी बैक जावांगे फस्ट पेज ते ते असी देखांगे कि साडे को ऑप्शन हैगा अननोन दा कुछ मैच करदा। चलो देखते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਸੀਗਾ ਅਨਵੇਅਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਨਮ ਆਫ ਦੀ ਅਨਨੋਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਨਨੋਨ। ਅਨਨੋਨ ਮੀਨਿੰਗ ਅਨਵੇਅਰ। ਡੈਡ ਕੁਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਫਾਇਰ ਦੈਮਸੈਲਫ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਸਪੈਕਟਿਡ ਡੈਟ ਦੀ ਫਾਇਰ ਫਸਟ ਮੈਨ ਮੇਡ ਫਲੇਮ ਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬਾਏ ਡੈਸ਼। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਬਲੈਂਕਸ ਮਿਲਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀਵਰਡ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਫਸਟ ਮੈਨ ਮੇਡ ਫਲੇਮ ਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬਾਏ। ਚਲੋ ਅਨਨੋਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਰੀਡ ਕਰਕੇ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਇਟ ਵਾਜ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਇੰਸੀਡੈਂਟਲੀ ਮੇਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਟੂਲ ਮੇਕਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਵੁੱਡ ਔਰ ਸਟੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਟ ਵਾਜ। ਹੁਣ ਇਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਟ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ fire by keeping slow burning logs or by carrying the charcoal in pots। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਾਇਰ ਸੇਮ ਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਆਫ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ, ਇਟ ਵਾਜ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਕਸੀਕਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਨਵੀਅਰ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਸ ਹੈ, ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਨਟਿਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰੈਂਡਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਸ ਹੈ, ਲੈਕਿੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚਾਂਸ ਚਾਂਸ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ, ਇਟ ਵਾਜ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ? ਬਾਏ ਚਾਂਸ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੋਰਥ ਬਲੈਂਕਸ ਅਤੇ ਫਿਫਥ ਇਕੱਠੇ ਦੋਨੇ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਫਾਇਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਇਨਵੋਲਵ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਬਾਏ ਫੋਰ ਦੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਿਪੈਡਲੀ ਡੈਸ਼ ਏ ਵੁਡਨ ਸਟਿਕ ਇਨ ਦੀ ਰਾਊਂਡ ਹੋਲ।
लेट्स स्टार्ट. गो टू योर बैक फर्स्ट पेज. हेयर इज अ लाइन. स्टडी ऑफ द प्रिमिटिव सोसाइटी सजेस्ट दैट द अर्लीस्ट मेथड ऑफ मेकिंग फायर वॉज थ्रू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज आंसर. फोर्थ लेट्स बैक एक्सरसाइज. देखते हैं आप हूँ ये क्वेश्चन की है. चलो. द वेरी फर्स्ट फायर लाइटिंग मैथड इनवॉल्व ऑफ द क्रिएशन ऑफ द साढ़े को ऑप्शन हैगा फ्रिक्शन. लकीली इसलिए यदा आंसर फोर्थ का फ्रिक्शन है. हम अस फ्रिक्शन भी मार्क कर देवे. फिफ्थ द पैटली डैश ए वुडन स्टिक इन ए राउंड होल. गो टू बैक फस्ट पेज. देखो ये नैक्सट लाइन में लिखे जिते आप फ्रिक्शन फाइंड आउट कर लिया. नैक्सट लाइन देखो. यूरोपियन पी सेंट वुड इनसर्ट ए वुडन ड्रिल इन ए राउंड होल एंड रोटेट. होल एंड डैश सीगा. हम आप पिछे जाके देखा रोटेट का कोई सिनोनिम है जो रोटेट लिखा है. चलो गो बैक द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. डैश ए वुडन स्टिक इन ए राउंड होल. रोटेट नहीं सीगा और नाल दा वर्ड साढ़े को रोटेटिंग है इसलिए हमारा आंसर है रिपेडली रोटेटिंग एंड वुडन स्टिक इन ए राउंड होल. ठीक है. हम आप सिक्स्थ दी देखना है. दी डैश और प्रिस्टेंट चीपिंग वॉज आल्सो वाइड स्प्रेड इन यूरोप अमंग द अदर पीपल सच एज चाइनीज एंड डैश. गो बैक फर्स्ट पेज. देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ विच प्रिकॉशन मैटर ऑफ द फायर लाइटिंग डेट बैक ऑफ द पॉलिटिक्स टाइम वैन द सम स्टोन एज टूल मेकर डिस्कवर डेट द चिपिंग फ्लिंट प्रोड्यूस स्पार्क्स. गो टू बैक योर क्वेश्चन. लकीली वी हैव द वर्ड ऑफ द प्रिकॉशंस. मैक्सिकम डिस्पाइट सनलाइट फोर्थ ऑप्शन इज अ प्रिकॉशन. सो आंसर इज द यूज ऑफ द प्रिकॉशन और प्रिस्टेंट चीपिंग वॉज आल्सो वाइड स्प्रेड इन यूरोप एंड अमंग अदर पीपल सच एज द चाइनीज एंड डैश. नाउ गो टू बैक योर फर्स्ट पेज देन फाइंड आउट. फस्ट पेज में देखियो कोई ना कोई तुम की वर्ड मिल ही जाना. जिदा हूँ सू पिछले मिले चीपिंग मिल गया वर्ड. ठीक है. एक सानू चीपिंग मिलिया एक प्रिस्टेंट मिलिया. ठीक है. वह सेम वर्ड मिल गए तो वो मैटर उन्होंने दसिया होया प्रीकोशंस उन्होंने यूज किया. ठीक है. हूँ इन्होंने चाइनीज दसिया होया सू कीवर्ड. हूँ देखो पिछे जाके फस्ट पेज में कितने भी चाइनीज के नाल होर कोई वर्ड देखो. चाइनीज के नाल कोई देश ही दसिया होगा कि चलो असं देखते हैं. देखो इतने सानू वर्ड दिता हो चाइनीज वही वाली जो आंसर प्रीकॉशन मिले और नीचे वाले पैराग्राफ च इन द आर्टिक नॉर्थ अमेरिका द एस्किमोस प्रोड्यूस इज स्लो बर्निंग स्पार्क बाय द स्टिकिंग क्वार्टर्स अगेंस्ट द आयरन ब्रिट्स एंड कंपाउंड डैट कंटेन सल्फर्स. तो चाइनीज वर्ड भी सानू मिल गया. इहदा मीनिंग चाइनीज के अगे भी लाइन लिखी हुई है यूरोप. ठीक है. यूरोप सानू ब्लैंक्स विच लिस्ट विच नहीं है इसलिए साडा आंसर की है एस की मोस. आगे एट ब्लैंक्स साडा लास्ट. यूरोपियन प्रैक्टिस ऑफ दिस मैथड कंटिन्यूस अंटिल द 1850s डैश डिस्कवरी ऑफ द फॉस्फोरस सम ईयर अर्लीयर. चलो असी देखते हैं फस्ट पेज से आप बैक जावांगे. देखो यूरोप वाली द कॉम्बीनेशन ऑफ द स्टील फ्लिंट एंड टेंडर रिमेन द मेन मैथड ऑफ द फायर लाइटिंग अंटिल द मिड ऑफ द 19th century. मिड मीनिंग 1950. नेक्स्ट लाइन द फायर लाइटिंग वॉज रेवोल्यूशनरी बाय द डिस्कवरी ऑफ द फॉस्फोरस आइसोलेटेड इन 1669 बाय जर्मन. वैन यू have no answer to find out in the paragraph then use your smartness. go back to your question.
योर आंसर इज डिस्पाइट डिस्पाइट द डिस्कवरी ऑफ द फॉस्फोरस सम ईयर अर्लियर. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल. प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट. कमेंट बिलो इफ यू नीड मोर रीडिंग टेस्ट 2, 3, 4 एंड बुक अदर्स.